हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजेस किचन। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा विथ होममेड सॉस। इसमें जो हम होममेड सॉस बनाने जा रहे हैं वो आपको एक रेगुलर पिज़्ज़ा से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट देगा। तो चलिए इसे अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं पिज़्ज़ा बेस 2, बटर 2 टेबलस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून, चॉप्ड अनियन 2, चॉप्ड टोमेटो 2, सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, पार्सले 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून, ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ 1 कप, बॉइल्ड कॉर्न 2 टेबलस्पून, राउंड स्लाइस अनियन कट 1, राउंड स्लाइस कैप्सिकम कट 1। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है। जब हमारा पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा हम उसमें ऑयल डाल देंगे। उसके बाद जो हमारे प्याज कटे हुए हैं बारीक वो हम इसमें डाल रहे हैं। हमारे बारीक कटे हुए टमाटर डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसे हल्का सा मिला लेंगे। जब प्याज और टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा हम इसमें नमक डाल देंगे और फिर से इसको मिला लेंगे। और इसका हम लिड लगाकर इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनने के लिए छोड़ देंगे। आप 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे कि हमारा टमाटर और प्याज सॉगी हो चुका है, थोड़ा थोड़ा मिक्स हो चुका है। फिर से उसको हम एक चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और लेड लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए फिर भुनने के लिए छोड़ देंगे। आप 5 से 6 मिनट बाद देखेंगे कि हमारा टमाटर और प्याज एकदम अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा टमाटर और प्याज नीचे चिपके ना। और यह आप ज़रूर ध्यान रखें कि इसको आप मीडियम हीट में रखें। इसमें अब हम टमाटो केचप डाल देंगे और मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे। अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है तो आप इसमें कम भी काली मिर्च डाल सकते हैं। पार्सले डाल देंगे, रेड चिली डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ऑरिगेनो डाल रहे हैं और इसको फिर से चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि हमारा टमाटर और प्याज कितनी अच्छी तरीके से भुन चुका है। 3-4 मिनट आप इसी तरीके से ओपन करके इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। तब तक हम अपना ओवन को प्रीहीट करने छोड़ देंगे। हम अपने ओवन को प्रीहीट कर लेंगे 230-260, जो भी आपका हाईएस्ट टेम्परेचर है उस पर आप अपने ओवन को 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको नॉर्मल तंदूर में भी बना सकते हैं। जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है वो हम ले लेंगे और उस पर इस तरीके से बटर लगा लेंगे।
आप इसी तरीके से दोनों साइड बटर लगा लीजिए। ओवन प्री हीट हो चुका है, हम अपने बेस को ओवन के अंदर सिकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम अपने बेस को दोनों साइड से सेक लेंगे। आप देखेंगे कि हमारा बेस दोनों साइड से हल्का हल्का सेक चुका है, उसको इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आप देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमारा जो हमने पिज्जा सॉस बनाया था उसे हम इस पे इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। हमारा पिज्जा सॉस बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड हो चुका है एजेस पे भी। जो हमारे प्याज है राउंड कटे हुए उसे हम इस तरीके से लगा लेंगे। इसी तरीके से हम कैप्सिकम को भी ऊपर लगा लेंगे। आपको दिख रहा होगा कि कितना सुंदर पिज्जा बन रहा है। इसी तरीके से आप कोई भी वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मशरूम, कॉर्न, कैरेट, जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप वो ऐड कर लीजिए। हम बॉयल कॉर्न इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद हमारे जो ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ है वो हम इसमें डाल देंगे, ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। आप अच्छे तरीके से मोज़रेला चीज़ को स्प्रिंकल कर दीजिए। ऊपर से हम पार्सले स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे और हमारा ओवन जो प्री हीट था उसके अंदर हम बेक होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से आप एक एक पिज़्ज़ा को रेडी करके बेक कर लीजिए। हमारा पिज़्ज़ा एकदम रेडी हो चुका है और ये बहुत ही हेल्दी बना है क्योंकि इसमें हमने सॉस घर पे बनाया है और ये बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिश ऑफ द डे को ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना